हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत बल्ब के आविष्कारक और 1000 से ज़्यादा आविष्कारों के लिए पेटेंट प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान नामक एक स्थान में हुआ था। वो अपने पिता सैमुअल ऑगडेन एडिसन जूनियर और माता नैन्सी मैथ्यूज एलियट की सातवीं और आखिरी संतान थे। एडिसन जीवन में स्कूल सिर्फ कुछ महीनों ही के लिए जा पाए थे। इसकी वजह ये थी कि बचपन में उनका व्यक्तित्व बहुत जटिल था। इनका दिमाग हमेशा नए नए सवालों से भरा रहता था और वह किसी भी चीज़ को तब तक नहीं मानते थे जब तक कि उसको खुद जाँच न ले। इस तरह का नज़रिया रखने की वजह से ही उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और उनके टीचर ने कहा था कि इस लड़के का दिमाग बिल्कुल खाली है। स्कूल से निकाले जाने के बाद इनकी माँ ने ही इनको पढ़ाया, वो खुद एक टीचर थीं। जब इनकी उम्र 10 साल की थी उसी वक्त उन्होंने अपने घर के तहखाने में एक प्रयोगशाला बना ली थी। जब इन्हें अपने प्रयोगों के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रेलवे में चलती हुई रेलगाड़ी में अखबार और टॉफियां बेचना शुरू कर दी। ये काम वो लगभग एक साल तक करते रहे और इसी दौरान उन्होंने एक साधारण किस्म का टेलीग्राफ भी बना लिया था। सन 1861 में उत्तर और दक्षिण के बीच युद्ध छिड़ गया। लोगों की उत्सुकता थी कि उन्हें युद्ध के बारे में समाचार जल्दी मिले। इस जरूरत को देखते हुए एडिसन ने एक समाचार पत्र छापने की योजना बनाई। उन्होंने $12 में एक पुराना छापाखाना खरीदा और उसे ट्रेन में ही लगा दिया। कुछ कागज खरीदा और उन्होंने समाचार पत्र छापना शुरू कर दिया। इस समाचार पत्र का नाम ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड था। इस समाचार पत्र के लगभग 400 खरीदार थे। यह विश्व का पहला समाचार पत्र था जो एक रेलवे ट्रेन में छापा जाता था और वहीं से बांटा जाता था। इसी दौरान उन्होंने रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली थी जिसमें यह अपने खाली समय में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन इनकी रेल के डिब्बे वाली प्रयोगशाला में आग लग गई। इससे रेलवे अधिकारी बहुत ही नाराज़ हुए और इनकी प्रयोगशाला में सभी वैज्ञानिक उपकरण और रसायन रेल के डिब्बे से बाहर फेंक दिए। इसके बाद रेल में अखबार बेचने के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1868 में उन्होंने अपना टेलीग्राफ पर पहला पेटेंट कराया। इसके अगले वर्ष वे न्यूयॉर्क चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गरीबी में गुजारा और फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें स्टॉक एक्सचेंज के टेलीग्राफ ऑफिस में नौकरी मिल गई। एडिसन ने अपना टेलीग्राफ उपकरण एक्सचेंज के प्रेसिडेंट को इस उम्मीद से भेंट किया था कि उन्हें इसके $2000 मिल जाएंगे, लेकिन एक्सचेंज का प्रेसिडेंट उनके इस टेलीग्राफ उपकरण से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एडिसन को इसके लिए $40,000 दिए। यहीं से उनके किस्मत का सितारा बुलंद हुआ। 1876 में न्यूजर्सी के मैनलो पार्क में इन्हें अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने का मौका मिला। वहां उन्होंने इतने अनुसंधान किए कि लोग इन्हें मैनलो पार्क का जादूगर कहने लगे। सन 1877 में एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया और इसी प्रयोगशाला में सन 1879 में एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। न्यूजर्सी के वेस्ट ऑरेंज नामक स्थान पर बनी प्रयोगशाला में एडिसन 1887 में चले गए और वहां से उन्होंने नए नए आविष्कारों की झड़ी लगा दी। एडिसन ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसके आधार पर बाद में रेमिंगटन टाइपराइटर विकसित किया गया। इन्होंने विद्युत से चलने वाला एक पेन भी खोजा जो बाद में मीमोग्राफ के रूप में विकसित हुआ। सन 1889 में उन्होंने चलचित्र कैमरा भी विकसित किया। एडिसन का कहना था कि मेरे अंदर 1% विद्वत्ता का उत्साह रहा, लेकिन 99% कठिन परिश्रम का। वह अपने जीवन के अंतिम दिनों तक नए नए चीज़ों को खोजने में लगे रहे और 18 अक्टूबर 1931 को न्यूजर्सी के वेस्ट ऑरेंज में ही इतिहास के इस महान आविष्कारक का देहांत हो गया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।